जाट लैंड के नाम से मशहूर राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस की डॉक्टर ज्योति मिर्धा का भाजपा समर्थित हनुमान बेनीवाल से कड़ा मुकाबला हो रहा है। ज्योति मिर्धा की समृद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमि है। डॉक्टर ज्योति के दादा नथु राम मिर्धा 6 बार नागौर से सांसद चुने गए थे। डॉक्टर ज्योति ने जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की है। डॉक्टर ज्योति के पास करीब 65 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो कि मेवाड़ क्षेत्र की 5 सीटों से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में से सबसे ज्यादा है। डॉक्टर ज्योति मिर्धा 2009 में नागौर से लोकसभा का चुनाव भी जीत चुकी है। इसके बावजूद हनुमान बेनीवाल द्वारा डॉक्टर ज्योति मिर्धा को कड़ी टक्कर दी जा रही है। नथुराम मिर्धा की राजनीतिक विरासत को पाने के लिए चल रही जंग भी डॉक्टर ज्योति मिर्धा को नागौर में लड़नी पड़ रही है। नागौर को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। 50 साल तक नागौर की राजनीति पर नथुराम मिर्धा का एक छत्र राज रहा है। नथुराम मिर्धा नागौर से 1970, 1980, 1984, 1999, 1991 और 1996 में जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे। 1997 में नथुराम मिर्धा की मृत्यु के बाद हुए उपचुनाव में उनके पुत्र भानु प्रकाश मिर्धा भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। 1977 के बाद नागौर से लगातार जाट उम्मीदवार ही जीतकर लोकसभा में पहुंचता रहा है। नागौर लोकसभा सीट में आने वाली 10 विधानसभा सीटों में से 2 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। शेष सभी 8 विधानसभा सीटों से पिछले वर्ष हुए चुनाव में जाट उम्मीदवार ही विजयी रहे हैं। इतना ही नहीं, नागौर लोकसभा सीट पर पिछले 40 वर्ष से जाट उम्मीदवारों में ही मुकाबला होता आ रहा है। परंपरा के अनुसार इस बार भी नागौर में 2 जाट नेताओं डॉक्टर ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल में मुकाबला हो रहा है। इस सूरत में अन्य समुदाय निर्णायक भूमिका में आ जाते हैं। नागौर में कट्टर जाटवाद की विचारधारा में विश्वास रखने वाले हनुमान बेनीवाल के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। उदारवादी सोच रखने वाले डॉक्टर ज्योति के पक्ष में जा सकते हैं। इसी तरह नथुराम मिर्धा के प्रभाव के चलते उम्रदराज जाट मतदाताओं का समर्थन भी डॉक्टर ज्योति को मिल सकता है, लेकिन युवा जाट मतदाताओं का झुकाव हनुमान बेनीवाल की तरफ दिखाई दे रहा है। जाट मतदाताओं के बाद नागौर में मुस्लिम, राजपूत, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की भी काफी गिनती है। नागौर लोकसभा सीट पर डॉक्टर ज्योति मिर्धा को अपने दादा नथुराम मिर्धा की राजनीतिक विरासत की जंग भी अपने परिवार के सदस्यों से लड़नी पड़ रही है। रिच्छपाल मिर्धा और हरेंदर मिर्धा द्वारा नथुराम मिर्धा की राजनीतिक विरासत पर डॉक्टर ज्योति मिर्धा के दावे को चुनौती दी जा रही है। बता दें कि रिच्छपाल मिर्धा नथुराम मिर्धा के भतीजे और डॉक्टर ज्योति के चाचा हैं। रिच्छपाल मिर्धा राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2 बार चुनाव हारने के कारण कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में रिच्छपाल मिर्धा को टिकट नहीं दिया था, लेकिन रिच्छपाल मिर्धा के पुत्र विजयपाल मिर्धा डेकाना से विधायक चुने जाने में कामयाब रहे थे। हरेंद्र मिर्धा पूर्व केंद्रीय मंत्री राम निवास मिर्धा के पुत्र और बलदेव राज मिर्धा के पोते हैं। बलदेव राज मिर्धा इस इलाके में किसान आंदोलन की शुरुआत करने वाले बड़े जाट नेता थे। पुराने लोग बताते हैं कि बलदेव राज मिर्धा ही नथुराम मिर्धा के राजनीतिक गुरु थे। रिच्छपाल मिर्धा और हरेंद्र मिर्धा द्वारा डॉक्टर ज्योति मिर्धा के हर एक राजनीतिक कदम का विरोध किया जाता है। इस चुनाव में भी मिर्धा परिवार के ये सदस्य खुलकर हनुमान बेनीवाल के साथ चल रहे हैं। नागौर लोकसभा सीट के मतदाताओं की समस्याओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन राष्ट्रवाद की लहर के सामने सभी मुद्दे गौण होते दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर ज्योति पर 2014 में चुनाव हारने के बाद 5 साल तक इलाके की सुध न लेने का भी आरोप है। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले ही डॉक्टर ज्योति नागौर में दोबारा दिखाई दी थी। इन सब चुनौतियों के बाद भी डॉक्टर ज्योति मिर्धा अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और ठेठ देहाती अंदाज में संवाद की कला के कारण हनुमान बेनीवाल को कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही हैं। नागौर में मतदान 6 मई को होना है और उससे पहले परिणाम के संबंध में कोई भी भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।